गर्मी बहुत बढ़ गई। नहीं, हालत खराब है। आप लोगों को लगती है कि नहीं लगती, बोलो तो सही। आप लोगों को गर्मी लगती है या नहीं लगती? कूलर चल रहा है इसलिए नहीं लगती है। पानी डाला इसमें? पानी डाल दिया करो ना, और ठंडी हवा आएगी। तो कल अपन पढ़ रहे थे सांगा। पहली बात अपन ने ये पढ़ी कि सांगा राजा बनने से पहले अजमेर था। वो आया, आते ही उसने कर्मचंद पवार को मेवाड़ बुला लिया। उसे एक उपाधि दी थी रावत की। पीटीआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब सांगा का राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली का राजा कौन था? सिकंदर लोदी। कौन था? युद्ध किसके साथ लड़ते अपन? इब्राहिम लोदी के साथ। मालवा का राजा कौन था? तो नासिरुद्दीन। युद्ध किसके साथ लड़ते हैं? तो महमूद खिलजी के साथ। और गुजरात में वही रहेगा महमूद शाह बेगड़ा। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई थी। फिर अपन ने पढ़ा था कि सांगा शुरुआत में तीन युद्ध लड़ता है, क्या याद रखोगे? के, बी और जी। एक शो होता है कौन बनेगा करोड़पति, अपने यहाँ याद रखना है कौन बनेगा गधा, है ना। के वाला युद्ध हुआ था 1517 में, बी वाला हुआ था 1518 में, जी वाला हुआ था 1519 में। ये क्वेश्चन पटवारी वाले पिछले एग्जाम में पूछा गया था, आप पेपर देख लेना। क्वेश्चन ऐसे पूछा था उसने कि ये तीन युद्ध लिख दिए उसने, निम्न को काल क्रम से व्यवस्थित करो, ए बी सी, सी बी ए, बी सी ए, ऐसे। तो अपने याद रखना है ये शॉर्ट ट्रिक, जिसको याद होगी ना उसके कभी गलत नहीं होगा। क्या याद रखोगे? के, बी और जी। के का मतलब होता है खातोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? बी का मतलब क्या है? बाड़ी का युद्ध। और जी का मतलब है गागरोण का युद्ध। कौन सा युद्ध? गागरोण का युद्ध। मैंने आज कल आपको बताया था कि ये दोनों वाले युद्ध जो है वो अपन इब्राहिम लोदी के साथ लड़ते हैं। किसके साथ? और नीचे वाला युद्ध जो है वो अपन मालवा वाले महमूद खिलजी के साथ में लड़ते हैं। और ये महमूद खिलजी द्वितीय कहलाएगा। क्यों? क्योंकि प्रथम वाला तो कुंभा के समय हो गया था, तो ये कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। मैंने ऊपर वाले युद्ध का कारण भी कल आपको बता दिया था। मैंने कहा था कि कर्नल टॉड अपनी किताब के अंदर लिखता है कि सांगा जब अपने दरबार में बैठता था तो उसके दरबार में प्रतिदिन 7 बड़े राजा, 9 राव और 104 छोटे मोटे सरदार हिस्सा लेने के लिए आते थे। तो सांगा जब इतना बड़ा राजा हो गया तो उस इब्राहिम लोदी को लगा कि यार दिल्ली का राजा तो मैं हूँ, और मेरे से नीचे ये राजा इतना बड़ा है, इतने इसके दरबार में हिस्सा लेने आ रहे हैं, तो दो बर्तन जब पास में होते तो आपस में क्या होते हैं? टकराते हैं। अब क्या हुआ था इस युद्ध के अंदर उसकी बात करता हूँ, सुनना। खातोली वाला युद्ध जो है, ये खातोली पड़ता है कोटा में। कहाँ पड़ता है? कोटा की एक तहसील है जिसका नाम है पीपलदा, वहां पर ये पड़ता है। और इस युद्ध के अंदर सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। आप सोचो, मेवाड़ के एक राजा ने, जो अपने राजस्थान की एक रियासत है मेवाड़, वहां का शासक दिल्ली सल्तनत के इतने बड़े राजा को हरा देता है, जो पूरे भारत का शासक हुआ करता, दिल्ली भारत की राजधानी हुआ करती है, तो वहां के राजा को हरा देता है। तो उसको ये बात सहन नहीं होती है, और वो जस्ट अगले साल ही कब अपने दो सेनापति और भेजता है कि तुम जाओ और फिर से किसके खिलाफ में लड़ो? सांगा के खिलाफ में लड़ो। तो अगला जो युद्ध हुआ था वो बाड़ी में हुआ। कहां पर? और बाड़ी पड़ता है धौलपुर में। कहां पड़ता है? और इस बार इब्राहिम लोदी खुद नहीं आया था, उसके दो सेनापति आए थे। एक सेनापति का नाम तो था मियां माखन, और एक सेनापति का नाम था मियां हुसैन फरमुली। क्या नाम है? मियां हुसैन फरमुली। और इस युद्ध के अंदर सांगा ने इन दोनों को ही क्या कर दिया? हरा दिया। यानी कि ऊपर वाले भारत के अंदर सांगा को टक्कर देने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। अब यहां पर युद्ध का कारण क्या है उसकी बात करता हूं, सुनना ध्यान से। राजा मुस्लिम है, मालवा का शासक है, राजा क्या है? मुसलमान। इसका एक सामंत था जिसका नाम था मेदिनी राय। कौन सा राय? मेदिनी राय। ये इसका सामंत था और ये हिंदू था।
प्रमुख सामंत, आप ऐसा मान लो कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह है वो कौन था, मेदिनी राय। अब राजा मुसलमान, सामंत हिंदू, तो अन्य जो मुस्लिम सामंत थे उनको ये बात सहन नहीं हुई और वे सारे बार बार राजा को भड़काते, अरे ये तो एक दिन सांगा के पास चला जाएगा, तुम्हारी वहाँ जाके सारी बातें बता देगा, तुम्हें हरा देगा, ऐसा है वैसा है, हिंदू है काफिर है, ये अपने काम का नहीं है, ऐसे ऐसे करके भड़काने लगे। बहुत लंबे दिनों तक तो महमूद खिलजी ने इन बातों को माना नहीं, लेकिन वो कहते ना कि अगर आप झूठ को भी चीख चीख कर कई बार बोलो तो वो सच हो जाता है। बार 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 जब फोर्स किया गया तब महमूद खिलजी इन बातों को मान लेता है और वो मेदिनी राय को अपने राज्य से बाहर निकाल देता है कि तू चला जाए यहाँ से, तेरे को मालवा में रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो अब मेदिनी राय बेचारा कहाँ जाए, इब्राहिम लोदी के पास तो जा नहीं सकता, वो तो खुद मुस्लिम है, महमूद खिलजी भी क्या है, मुस्लिम, और उसने निकाल दिया, बचा कौन, सांगा। तो ये सांगा के पास में आ गया, तो उन मुस्लिम सामंतों ने कहा देखो हमने कहा था कि नहीं कहा था, किसके पास जाएगा, सांगा के पास, और ये बात क्या हो गई, सच हो गई। जब किसी राजा की शरण के अंदर कोई व्यक्ति आता है तो राजा क्या करता है, भाई आप हो, आप उदयपुर में रह रहे हो, आपका कोई यार दोस्त सारे बिजनेस से भटक भटक के दुकानें वुकानें बंद करके आपके पास में आ गया और कहा भाई रख ले यार कुछ भी करे, तो आप क्या करोगे, कुछ दिन तो रखोगे, फिर क्या कहोगे, भाई कोई नौकरी वोकरी ढूंढ ले उदयपुर में, छोटी मोटी तेरा खर्चा पानी चलता रहेगा। तो जब ये मेदिनी राय उसके पास में आया तो सांगा ने कुछ दिन तो अपने पास में रखा, फिर कहा कि उसको तू जागीर ले ले, क्या ले ले, जागीर, जागीर का मतलब है 10 गांव यहाँ पे रख ले, 10 गांव वहाँ पे रख ले, उन गांवों से जो भी टैक्स आएगा, जो भी कर आएगा, उससे तेरा खर्चा पानी चलता रहेगा, तू तेरा काम करते रहना, मैं मेरा काम करते रहूंगा। तो सांगा ने मेदिनी राय को 2 जागीरें दी थी, कितनी, एक तो क्या दिया, और एक एमपी के अंदर जगह पड़ती है चंदेरी, क्या पड़ती है, ये गागरोण और चंदेरी जो दोनों सांगा के पास में थे उसने दोनों मेदिनी राय को दे दिए। अब गागरोण आता है सर झालावाड़ में, कहाँ आता है, और झालावाड़ और मालवा बिल्कुल पास में क्या नहीं है, बिल्कुल टच है, नक्शा बना देता हूं मैं, देखो इस प्रकार से अपना राजस्थान है, तो यहां आता है झालावाड़ और ये अपना क्या है, मालवा। तो महमूद खिलजी को ऐसा लगा कि सांगा ने मेरे खिलाफ में जाकर इसको कौन सी जागीर दी है, गागरोण की, तो इसने सीधा कहां आक्रमण कर दिया, गागरोण पर युद्ध हुआ और सांगा ने इसको भी क्या कर दिया, हरा दिया। यानी इस पूरे उत्तर भारत में सांगा को टक्कर देने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। इसीलिए जब बाबर भारत आया, कौन आया, तो बाबर जब इब्राहिम लोदी को हरा देता है तब बाबर को भी ये पता था कि अपना अगला युद्ध जो है वो किससे होगा, सांगा से होगा, और सांगा को भी ये पता था कि अपना अगला युद्ध जो है वो किससे होगा, बाबर से होगा। बात समझ में आई। तो अब बाबर भारत आता है, कौन आता है, बाबर। फिर से सुनना, सांगा ने शुरुआत में 3 युद्ध लड़े थे, क्या याद रखोगे, के बी और जी, कौन बनेगा, गदा, 17, 18, 19, आगे 15 याद रखना आपका काम है, यूनी के 1916, 1917, 1918 ऐसे कर दो। के से क्या याद रखोगे, खातोली, बी से बाड़ी, डी से जी से गागरोण, ये दोनों किसके खिलाफ, इब्राहिम के खिलाफ, ये किसके खिलाफ, महमूद खिलजी के खिलाफ। ये खातोली कहाँ पड़ता है, कोटा में, इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बाड़ी कहाँ पड़ता है, धौलपुर में, 2 सेनापति आए थे, मियाँ माखन, मियाँ हुसैन फरमुली, इन दोनों को भी क्या कर दिया, हरा दिया। यहाँ पर युद्ध का कारण कौन था, मेदिनी राय, मेदिनी राय किसकी शरण में गया, सांगा के, सांगा ने कितनी जागीरें दी, 2, पहली कौन सी, गागरोण, दूसरी कौन सी, चंदेरी। तो महमूद खिलजी ने कहाँ आक्रमण कर दिया, गागरोण पर, और सांगा ने इस युद्ध के अंदर किसको हरा दिया, महमूद खिलजी को, और उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत कौन बन गया, राणा सांगा। क्लियर, कल कुछ नहीं लिखा था सांगा का, लिख लो ये, फिर आगे वाला पढ़ते हैं, स्टार्ट डालो, महाराणा सांगा 1509 से 1528। पहली लाइन, सांगा ने शासक बनते ही अजमेर के कर्मचंद पवार को सांगा ने शासक बनते ही
अजमेर के कर्मचंद पवार को मेवाड़ बुला लिया और उसे रावत की उपाधि दी। और उसे रावत की उपाधि दी। अगली लाइन, सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था। सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था। मालवा का शासक नासिरुद्दीन था। और गुजरात का शासक महमूद शाह बेगड़ा था। बिगड़ा मत लिख देना, बेगड़ा। गुजरात का शासक महमूद शाह बेगड़ा था। एक लाइन छोड़ के, सांगा ने शुरुआत में तीन युद्ध लड़े। ये लिख दो के बी और जी, के बी जी। के आगे लिखो खातोली का युद्ध, बी के आगे लिखो बाड़ी का युद्ध, जी के आगे लिखो गागरोन का युद्ध, और आगे इनके सन लिख दो 1517, 18 और 19। एक लाइन छोड़ के एक नंबर डालो। खातोली कोटा की पीपलदा तहसील में है। यह युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ हुआ। सांगा की जीत हुई। एक लाइन छोड़ के दूसरा। बाड़ी धौलपुर में है। इस युद्ध में इब्राहिम के सेनापति मियां माखन और मियां हुसैन फरमुली
मियां माखन और मियां हुसैन फरमुली, सॉरी मियां माखन और मियां हुसैन फरमुली लड़ने आए, सांगा ने इन्हें भी हरा दिया। तीसरा, गागरोन का युद्ध मालवा के महमूद खिलजी के साथ हुआ। महमूद खिलजी द्वितीय कर देना, मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय के साथ हुआ। कारण लिखो इसका, कारण खिलजी के हिंदू सामंत मेदिनी राय को सांगा ने गागरोन और चंदेरी की जागीर दी। परिणाम लिखो, सांगा की जीत हुई। और वह उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गया। कॉपी बंद कर लो अपनी, आराम से थोड़ी देर सुनना। इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि सांगा कुंभा ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, राणा प्रताप वगैरह वगैरह, राज सिंह वगैरह, तो इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। पानी पीने का थोड़ी बोला मैंने, तो बोला कॉपी बंद करो, और तुम लोगों ने पी लिया तो मुझे भी प्यास लग रही, मैं भी पी लेता थोड़ा सा। दिन की कम से कम 10 बोतलें तो पानी पीना पड़ता है, इतनी गर्मी लग रही है भयंकर वाले। और हमारे जैसे तो पूरे दिन बोलते रहते हैं, तुम तो फिर भी सुनते रहते हो। अब देखो, सुनना ध्यान से, सारे इधर ध्यान देना, दिमाग में कुछ भी चल रहा हो निकाल देना। शादी ब्याह जो होने थे वो हो गए, कोई काम नहीं आने वाला अपने 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 जो पढ़ेंगे वही काम आएगा। सही बात है कि नहीं है? ये भारत है जैसा भी, ये बड़ा वाला बोर्ड होता तो और बड़ा बनाते, ये थोड़ा छोटा हो गया। यहाँ पर एक देश है जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, पाकिस्तान। अखबार पढ़ते होंगे तुम लोग। पाकिस्तान से ऊपर सर यहाँ एक देश है, अफगानिस्तान। नाम सुना? कभी भारत का हिस्सा था अंग्रेजों के समय, उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय, बाद में देशों के बंटवारे हुए तो ये सारे अलग होते गए। अफगानिस्तान के अंदर एक रियासत थी जिसका नाम था ट्रांस आक्सियाना। क्या नाम है? अफगानिस्तान की एक रियासत है।
ट्रांस आक्सियाना के अधीन एक छोटा सा ठिकाना था जिसका नाम था फरगना। क्या नाम था? और फरगना का शासक था बाबर। कौन था? बाबर। मैं कहना यह चाहता हूं कि कोई बड़ा राजा नहीं था। जैसे मान लो भारत में एक रियासत है मेवाड़, मेवाड़ के अधीन बहुत सारे ठिकाने थे। जैसे मान लो एक ठिकाना है जाडोल, तो जाडोल का कोई शासक है, तो जाडोल वाला राजा भारत में कोई बड़ा राजा थोड़ी होगा। मेवाड़ का हो तो बड़ा माने, दिल्ली का हो तो बड़ा माने, मालवा का हो तो बड़ा माने। तो वहां की एक रियासत थी ट्रांस आक्सियाना, और उसके अधीन एक ठिकाना था छोटा सा जिसका नाम था फरगना। वहां का शासक कौन है? बाबर। बाबर दो लोगों का वंशज था, जैसे अपने होते ना दादा परदादा, इधर नाना नानी के भी नानोसान पर नानोसान, वैसे दो लोगों का वंशज था। एक बंदे का नाम तो था तैमूर, क्या नाम है? और एक बंदे का नाम है चंगेज खां। नाम सुने कभी? सुने? सैफ अली खान का नाम सुना? हाँ, उसके किसका नाम है? वेरी गुड, देखो कितने टैलेंटेड लोग हैं। पर यूं नहीं पता तैमूर है कौन। बता तैमूर कौन है? सैफ अली खान का बेटा ही है। सैफ अली खान का ब्याह जब करीना कपूर के साथ में हुआ, वो हो गई करीना कपूर खान, हो गई। उन दोनों से उत्पन्न जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया तैमूर अली खान। तो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, या आप लोग उस समय इतना ध्यान नहीं देते होंगे, उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था सोशल मीडिया पे, हर जगह पे, कि उसका नाम तैमूर नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। तो क्यों नहीं रखना चाहिए? तो तैमूर ने मध्यकालीन भारत के अंदर इंडिया के ऊपर आक्रमण किया था। भारत पर ये क्या करता है? अटैक। और इसने भयंकर रूप से भारत में तबाही मचा दी थी। इसका बड़ा फेमस कोटेशन है कि भारत की हर संतान तैमूर की संतान होनी चाहिए। मतलब इसने सैनिकों को खुला आदेश दिया था कि महिलाओं के साथ दुराचार करो, और अब यहाँ जितने भी लोग हैं वो सारी किसकी संतान होनी चाहिए? तैमूर की। मैं तैमूर नहीं हूँ, ऐसा उसने कहा था। तो इसलिए इसका क्या होता है? विरोध। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इतने खुखार सेनापति का वंशज कौन था? बाबर। दूसरा बंदा है चंगेज खां, ये भी सेम ऐसे ही था, भारत पर आक्रमण करता है, मध्य एशिया से आया था। इसने भी भयंकर रूप से क्या मचाई थी? तबाही। तो ये पिता की तरफ से तो तैमूर का वंशज है, मतलब इसके कोई इस पांचवी पीढ़ी के अंदर तैमूर था, उसके बाद में कौन हुआ? बाबर। जैसे अपने होते ना पापान, दादान, परदादान, फिर खड़दादान, वैसे। और इसकी मम्मी जो थी वो किसकी वंशज थी? चंगेज खां के। मतलब दोनों भयंकर वाले खूंखार सेनापतियों का खून जो था वो कौन था? बाबर था। इसीलिए बाबर इतना महान सेनापति हुआ, क्योंकि ब्लड के अंदर जो चीजें होती है वो बाहर नहीं आती है। बाबर दो कारणों से भारत पर अटैक करता है। दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि धन लूटना है, जैसा पहले वाले सारे करते थे, गोरीन, गजनवीन। दूसरा कारण ये था कि इस्लाम धर्म का क्या करना है? प्रचार। इंडिया में रहने का उसका कोई भी मूड नहीं था। दो कारणों से वो इंडिया पर आक्रमण करता है। पहला आक्रमण बाबर ने भारत में 1519 में किया था। कब किया था? तब अपन कौन सा युद्ध लड़ रहे थे? हाँ, अभी तो बताया, गागरौन अपन लड़ रहे थे। तब इस बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में कर दिया था। पाकिस्तान वाले पंजाब के अंदर उस किला पड़ता है जिसका नाम है भेरा। क्या नाम है? पहले वो पाकिस्तान अपना ही था, अब पाकिस्तान में चला गया। तो पंजाब के भेरा नामक किले पर ये पहला आक्रमण करता है, 1519 के अंदर करता है, कर दिया इसने। और 1519 में जब यहाँ आक्रमण किया तो पहली बार ये भारत में यहाँ पर दो चीजों का प्रयोग करता है, एक तो तोप का और एक बारूद का। इससे पहले इंडिया के अंदर जितने भी युद्ध लड़े जाते थे उनमें तोपों का इस्तेमाल नहीं होता था, और तोप का इस्तेमाल नहीं होगा तो बारूद का इस्तेमाल भी नहीं होगा, क्योंकि गोले जो हैं वो किससे बनते हैं? बारूद से। अपन जो थे वो तलवारों से लड़ते थे, भालों से लड़ते थे, बर्छियों से लड़ते थे, चाकुओं से लड़ते थे। अपने यहाँ पर तोपों का या बंदूकों का इस्तेमाल नहीं करता था। ये इंडिया के अंदर पहली बार लाने वाला व्यक्ति कौन था? बाबर। इसीलिए बाबर इतना सक्सेसफुल हुआ। भाई इस भाई को अगर मुझे मारना है और मुझे तलवार से मारना है तो मुझे इसके पास जाना पड़ेगा, चाकू से मारना है तो ही पास जाना पड़ेगा। लेकिन इस भाई के पास में बंदूक है
तो ये वहां पे खड़ा रहकर भी तो मुझे गोली मार सकता है, तो सक्सेसफुल कौन होगा? सिंपल सी बात है ना, महाराणा सांगा तलवार लेके युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं, बाबर तोप का गोला मार रहा है, तो सिंपल सी बात है कि बाबर ही सक्सेसफुल होगा। इसीलिए बाबर इतना सक्सेसफुल होता है और पहली बार यहाँ पर आक्रमण करता है 1519 में। इंडिया में पहली बार तोप और बारूद का प्रयोग कहाँ हुआ, तो आपको बता देना है पंजाब के बैरा नामक किले पर। कब हुआ? 1519 में हुआ। अब अगर बाबर को भारत में रहना होता तो वो पंजाब से आगे आता और लड़ता, सांगा से लड़ता, इब्राहिम लोदी से लड़ता, पर उसका ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था। उसने उस किले को लूट लिया, पैसे वैसे ले लिए, वापस चला गया, खर्चा पानी करेंगे, 2-5 साल के बाद में वापस आक्रमण कर देंगे। अब वो चला गया, लेकिन यहां पर उस समय राजा था इब्राहिम। कौन था पीछे, क्या लगाता है? लोदी। इसका सगा चाचा था जो पंजाब का गवर्नर हुआ करता था, सूबेदार। उस बंदे का नाम याद रखना, दौलत खान लोदी। क्या नाम था? दौलत खान लोदी की और इब्राहिम लोदी की आपस में नहीं बनती थी, किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में समस्याएं थी। तो दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी को हराना चाहता था, तो अकेला तो हरा नहीं सकता, इसलिए उसने बाबर को इनवाइट किया, बुलाया उसे कि बाबर आप आओ, मेरी तरफ से आप युद्ध लड़ो, किससे? इब्राहिम लोदी से, उसे हरा दो, मैं वहाँ का भारत का शासक बन जाऊँगा, बदले में आपको 10 लाख रुपए दूंगा। कितने? 10 लाख। और आप जानते हो कि 10 लाख अपने आप के अंदर उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, और बाबर का काम ही यही था कि पैसों के लिए क्या करना है, लड़ना है। अपन युद्ध करेंगे तो किसके लिए करते हैं? पैसों के लिए। इससे बेटर है कि वही अपन को दे रहा है तो अपन उसी के लिए क्यों नहीं लड़े। तो अब बाबर जो है वो दौलत खान लोदी के लिए लड़ने आता है, और डेट हो जाती है साहब 21 अप्रैल 1526। क्या डेट होती है? सारे बोलो, ये डेट याद रखनी है, बोलो 21 अप्रैल 1500। हरियाणा के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है पानीपत। क्या नाम है? और यहां पर युद्ध होता है, इसलिए इसको कहा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध? और यह बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था? यानी 4 बार पहले वो और आ चुका था, 4 बार ही वो भारत से पैसा लूट चुका था, लेकिन उसका भारत में रहने का कोई भी मोटिव नहीं था। अब उसको बाबर को जब इनवाइट किया गया तो उसको पैसों का लालच दिया गया, तब वो किसकी तरफ से लड़ने के लिए आता है? दौलत खां की तरफ से। सामने होता है इब्राहिम लोदी, और 21 अप्रैल 1526 को युद्ध स्टार्ट हो गया। जैसे युद्ध स्टार्ट हुआ, बेचारा इब्राहिम लोदी तलवारों से भालों से लड़ रहा है, और बाबर ने तोप के गोले बरसाने स्टार्ट कर दिए। 2 घंटे तक युद्ध चला। कितने घंटे तक? पहले युद्ध बहुत लंबे चलते थे, लेकिन ये युद्ध कितना चला? और 2 घंटे के अंदर इब्राहिम लोदी, जय हिंद जय भारत, ऊपर। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजा था इब्राहिम लोदी, जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया था। अब मारा गया, बाबर जीत गया, खुशियां मनाई गई, बाबर जिंदाबाद के नारे लगे। अब दौलत खान लोदी आया पेटी लेके, बाबर तूने बहुत अच्छा काम किया, बधाई हो, ये पकड़ तेरे 10 लाख रुपए, वापस जा। बाबर ने कहा कि ये 10 लाख रुपए अब तू पकड़, तू यहां से जा। उसने कहा फिर से बोलना, क्या क्या हुआ? बाबर ये सोचता है कि जब मैं दिल्ली का राजा, जो भारत का सबसे बड़ा राजा है, उसको अगर हरा सकता हूं तो मैं भारत पर शासन भी तो कर सकता हूं। तो उसने दौलत खान लोदी से कहा कि ये पैसे तू रख और तू यहां से निकल, वरना तुझे भी मारूंगा मैं। दौलत खान ने तलवार निकाल ली। ऐसा कैसे? तुम्हारी और मेरी बात हुई थी, तो बाबर ने अपनी तलवार निकाल ली, और 2 सेकंड के अंदर दौलत खान लोदी की भी क्या कर दी? हत्या। अब बाबर हरियाणा के इस पानीपत से आगे बढ़ा, और उसने कहाँ अधिकार कर लिया? दिल्ली पर। और 1526 के अंदर उसने भारत में एक नए वंश की स्थापना कर दी, जिसे अपन मुगल वंश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? और फिर बाद में ये मुगल वंश भारत में चलता रहा। बाबर के बाद में हुमायूं राजा बना, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर।
अंतिम शासक था जो 1857 की क्रांति के समय था, अंग्रेजों ने उसे हरा दिया था और फिर अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना स्टार्ट कर दिया। तो उस मुगल वंश को भारत में स्थापित करने वाला जो बंदा था उसका नाम क्या था? बाबर। और बाबर इसे भारत में 1526 में स्थापित करता है इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के पहले युद्ध के अंदर, और ये दिल्ली का क्या बन गया? राजा। बाबर जब भारत आया और आने के बाद में वो अपनी एक आत्मकथा लिखता है, ऑटोबायोग्राफी, अपने खुद के ऊपर बीती हुई सारी बातें। तो आत्मकथा जब वो लिखता है तो उसका नाम उसने रखा था तुजुक ए बाबरी। क्या रखा था? तुजुक ए बाबरी। उसके अंदर वो लिखता है कि उत्तर भारत के अंदर तीन ही बड़ी ताकतें हैं। वो खुद लिखता है कितनी ताकतें हैं। बात समझ में तो आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे हो? आ रही है? तीन बड़ी ताकतें हैं, एक तो है मेवाड़, एक है दिल्ली और एक है मालवा। तो दिल्ली वालों को उसने हरा दिया, मालवा वाले खुद ही बेचारे मेवाड़ वालों से हार के बैठे। तो अगला बंदा बचा कौन? मेवाड़। तो उसे खुद को पता है कि अपना युद्ध किससे होने वाला है? सांगा से। दूसरी बात, वो लिखता है कि भारत के अंदर दो श्राप है। कितने श्राप है? एक तो लू, अभी जो गर्म हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? लू। और एक है धूल भरी आंधिया। अब बेचारा गर्मी के महीने में आया था, अप्रैल गर्मी होती है, दिल्ली गया होगा तब तक मई हो गया होगा। अब आप सोचो साहब, आप आजकल तो लोग गाड़ियों में सफर करते हैं, बसों में, तो क्या धूल भरी आंधिया लू लगती नहीं है? अब वो उस समय घोड़ों पे गधों पे आते थे, तो उसको कितनी आंधिया धूल भरी लगी होगी, पूरे पाकिस्तान वाला रेगिस्तान पार करके आया होगा, कितनी लू लगी होगी उसको, है ना? तो वो खुद लिखता है कि भारत में लू और धूल भरी आंधिया दो बड़े श्राप है। अब ये यहां से आगे बढ़ के दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। अब आसपास वाले राजाओं को हराएगा तभी तो भारत का शासक कहलाएगा, वरना ऐसे कौन मानेगा इसको। तो फिर ये यहां से आगे बढ़ता है और आगे जाकर एक नगर के ऊपर अधिकार कर लेता है जिसका नाम है आगरा। कौन सा नगर है आप सारे जानते हो? यहां तक बात समझ में आ गई? तो फिर मैं अगला वाला पत्ता लूं। क्लियर है? बाबर अफगानिस्तान के ट्रांसआक्सियाना के फरगना का शासक था। बाबर दो लोगों का वंशज था, तैमूर लंग और चंगेज खां। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में पंजाब के बैरा नामक किले पर किया। भारत के अंदर पहली बार तोप और बारूद का प्रयोग यहीं पर हुआ। बाबर जो था बाद में वापस चला जाता है, लेकिन उसको बाद में इब्राहिम के चाचा दौलत खां लोदी ने इन्वाइट किया और 21 अप्रैल 1526 को कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का पहला युद्ध। ये बाबर का भारत पर कौन सा आक्रमण था? पांचवा। और इस युद्ध के अंदर उसने 2 घंटे के अंदर किसकी हत्या कर दी? इब्राहिम लोदी की। दिल्ली पर अधिकार कर लिया और 1526 में कौन से वंश की स्थापना करी? मुगल वंश, जो कब तक चलता है? 1707। और फिर उसने कहां अधिकार कर लिया? आगरा पर। अब अगली बात, अब अपना काम है, अपना रिलेशन है, अपनी बात करते हैं। आगरा बढ़ता है सर यहां ताजमहल वाला, भरतपुर से कोई 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा कहते हैं कि भरतपुर के अंदर कोई बड़ी बिल्डिंग हो, उसकी छत पे खड़े हो जाए ताजमहल अपन को दिखता है। तो ज्यादा दूर राजस्थान से नहीं था। अब बाबर की सेना ठेठ अफगानिस्तान से आई थी। अफगानिस्तान से आने के बाद में पानीपत का युद्ध लड़ती है, फिर दिल्ली में जाके अधिकार करती है, फिर आगरा पर अधिकार करती है। थक गई थी तो यहाँ उसकी सेना जो थी वो आराम कर रही थी और बाबर भी यहाँ पर आराम कर रहा था। लेकिन बाबर का एक बहनोई था। क्या था? बहनोई क्या होता है? है? बहनोई क्या होता है? बहनोई क्या होता है मैडम? बहनोई नहीं पढ़ा इसमें, पढ़ने जैसा क्या है? नॉर्मल है। फूफा जी क्या होते तो मैं आप पढ़ना है? फूफा जी मतलब बुआ के पति। अंकल क्या होते साहब? पापा के भाई। बहनोई क्या होता है? इतना सिंपल है यार, तुम्हें यही नहीं पता यार, तुम्हारे नहीं है जीजा जी। बहनोई मतलब बहन का पति, जीजा जी, और आधुनिक भाषा में कहा जाता है जीजू। आजकल लोग क्या कहते हैं? जीजू। तो बाबर के एक जीजू थे, जीजू का नाम था मेहंदी ख्वाजा। क्या नाम था?
मेहंदी ख्वाजा। ख्वाजा साहब को पता नहीं क्या जची कि ये सारे लोग तो यहाँ पर आराम कर रहे हैं, अपन कुछ एडवेंचर ही करते हैं। किसको जची? तुम लोग मेरे ऊपर ध्यान मत दोगे, मैं पानी पी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? बोर्ड के ऊपर फोकस होना चाहिए, मैं नाम क्या लिख रहा हूँ। पानी नॉर्मल है, पूरी दुनिया पीती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मेहंदी ख्वाजा बहन ही था, इसको ऐसा लगा कि सारी सेना यहाँ पर मौज कर रही है, अपन आसपास के क्षेत्रों पर और अधिकार कर लेते हैं। तो भरतपुर के अंदर एक किला पड़ता है सर, बयाना। कौन सा किला? इस बहनोई मेहंदी ख्वाजा ने आक्रमण किया और इसने इस बयाना के किले पर अधिकार कर लिया। मैंने कहा था कल आपसे और आज फिर से कहा था कि कर्नल जेम्स टोड अपनी किताब में लिखता है कि सांगा के दरबार में प्रतिदिन 7 बड़े राजा, 9 राव और 104 छोटे मोटे सरदार हिस्सा लेते थे। तो ये वाला जो आपका बयाना वाला किला था, ये सांगा के अंडर में आता था, यानी कि अब सांगा के क्षेत्र पर आपने अधिकार कर लिया है, शेर के मुंह में आपने हाथ डाल दिया है। तो अब शेर फिर से आक्रमण करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो जब सांगा को यहाँ पता चला कि अपने बयाना वाले किले पर मुगलों ने अधिकार कर लिया है, तो सांगा यहां से एक सेना लेके निकलता है और कहां आक्रमण करता है? यहां पर एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध? कब हुआ था? तो डेट याद रखना, 16 फरवरी 1527। कब हुआ था? 16 फरवरी 1527। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526। यह होता है 16 फरवरी 1527। सांगा और सामने बाबर का बहनोई है जिसका नाम क्या है? मेहंदी ख्वाजा। युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर बाबर का तोपखाना यहां पर पड़ा था। कहां पर? सॉरी, आगरा में पड़ा था। कहां था? तो यहां तोपे तो थी नहीं इसके पास, बिना तोप के आप सांगा को हरा ही नहीं सकते। तो सांगा ने मेहंदी ख्वाजा को बुरी तरह से हरा दिया। ऐसा कहते हैं कि मेहंदी ख्वाजा युद्ध भूमि से धोती पकड़ के भाग जाता है और उसने पीछे पलट के भी नहीं देखा कि कौन खड़ा है, क्योंकि सांगा था ही इतना खुकार, जिस बंदे के एक पैर नहीं हो, एक हाथ नहीं हो, एक आंख नहीं हो, एक नाक नहीं हो, एक कान नहीं हो, पूरी बॉडी पर 80 घाव, वो आप इमेजिन करो वो कितना भयंकर दिखता होगा। और ऊपर से हेलमेट लगा रखा होगा, सारे चीजें पहन रखी होगी, हाथ में तलवार होगा, भाला होगा, रात को बच्चा देख जाए 3 दिन तक सोई नहीं, इतना खुकार था कौन? सांगा। तो सांगा जो था उसको इतनी बुरी तरह से हरा देता और वो वहां से भागता है, और भाग कर वो सीधा कहाँ आया? आगरा। आगरा आकर उसने बाबर से कहा कि वो सांगा जिससे अपने को अगला युद्ध करना है, वो तो साक्षात यमराज है। कौन है? उससे अगर अपन लड़ेंगे तो अपनी मृत्यु निश्चित है। तो ये सुनने के बाद में बाबर की जो सेना थी उसका मनोबल गिर गया। एक तो आप अफगानिस्तान से लड़ते लड़ते आ रहे हो, आप दिल्ली पर अधिकार कर रहे हो, आप बाद में आगरा पर अधिकार कर रहे हो, और आपको ये पता चलता है कि अगला युद्ध जिस बंदे से होने वाला है वो इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक है, तो उसकी सेना का क्या गिर जाता है? मनोबल गिर जाता है। उन्हें लगता है कि अपनी तो मृत्यु निश्चित है। अब उसके दरबार में उसके साथ के अंदर एक ज्योतिष रहता था जिसका नाम था मोहम्मद शरीफ। क्या नाम था? मोहम्मद शरीफ ने उस समय आकर बाबर का हाथ देखा और बाबर से कहा कि बाबर आने वाले 1-2 महीने में किसी से युद्ध मत करना, वरना तेरी मृत्यु निश्चित है। तो अब उसकी सेना को लगा कि अब तो ज्योतिष ने भी कह दिया है, यानी अब अपना कब्रिस्तान इधर आगरा के अंदर ही बनेगा। और कहा जाता है, हिंदी की बड़ी फेमस कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपने मन में ही ये हार मान ली है कि अपना कुछ नहीं हो सकता, तो उसका कोई भी इलाज नहीं है। और बाबर की सेना मन में हार चुकी थी कि अपन सांगा से कभी भी नहीं जीत सकते, क्योंकि उसने मेहंदी ख्वाजा को इतनी बुरी तरह से हराया है। अब क्या किया जाए? तो बाबर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं सांगा से लड़ने नहीं गया तो सांगा खुद मुझसे लड़ने के लिए आ जाएगा, तो उसने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए 3 घोषणाएं की। कितनी घोषणाएं? ऑप्शन कितने होते हैं? 4। सवाल बनता है, निम्न में से कौन सी घोषणा सांगा ने युद्ध से पहले नहीं की? तो वो 3 घोषणाएं करता है। पहली घोषणा वो ये करता है, सारी सेना को उसने बाहर बुलाया। सो रही होगी सेना, अपने अपने
टेंट हाउस के अंदर आराम कर रही होगी, सबको बाहर बुलाया और सबको उसने खड़ा किया और खुद स्टेज पे जाके खड़ा हो गया। जैसे मान लो मैं बाबर हूँ, तुम सारी मेरी क्या हो, सेना हो, और मैंने बुलाया और मैं आकर बाबर सबसे पहले ये घोषणा करता है कि अगर तुम लोग युद्ध करते हो तो मैं तुमसे एक टैक्स लेता हूँ, वो टैक्स आज के बाद मैं कभी नहीं लूंगा, तमगा कर। कौन सा कर? अरे बोलो, या तो मेरे कान हो गए खराब या तुम लोग बोलते नहीं हो। कौन सा कर? तमगा कर नहीं लूंगा। तमगा कर एक धार्मिक कर होता था जो मुसलमानों को इस्लाम धर्म के लिए देना पड़ता था कि अगर तुम ऐसा करते हो तो ये कर मैं आपसे कभी भी नहीं लूंगा। सैनिकों ने कहा कि कर तो तुम नहीं लोगे, अच्छी बात है, लेकिन तुम इस्लाम धर्म की बात करते हो, धार्मिक कर नहीं लेने की बात करते हो, पर इस्लाम के अंदर तो शराब पीना हराम है। हराम है ना, मुसलमान धर्म के लोग शराब नहीं पीते, तो इस्लाम के अंदर तो शराब पीना हराम है, और बाबर तुम तो रोज रात को शराब पीते हो, तो तुम्हें इस्लाम की बात करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बाबर रोज शाम को दारू पीता था। अब उसकी गलती नहीं थी, बेचारे युद्ध लड़ते थे तो युद्धों के अंदर क्या घाव लगते हैं तलवारों के वगैरह, वो दर्द होता था, रातों को नींदें नहीं आती थी, थक जाया करते थे, तो वो शराब पी के सोया करते थे। अब बाबर को लगा कि यार सैनिकों ने ऐसा कह दिया है कि भाई इस्लाम के अंदर शराब हराम है, और अगर मैं अब शराब के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा तो इनके मन में कुछ ना कुछ तो आएगा, और एक आधा भी बगावत कर लेगा तो पूरी सेना क्या कर लेगी, बगावत। तो बाबर ने अपने साथ में जितनी भी शराब के बड़े बड़े बर्तन लाए थे मिट्टी के, यार छींक आने और वो नहीं आने वाला बीच वाला काम बहुत बेकार होता है। तो बाबर ने अपने साथ में बड़े बड़े जो शराब के मिट्टी के बर्तन लाए थे वो सारे लाए, स्टेज के ऊपर रखे, सारे बर्तनों को उसने तोड़ दिया, सारी शराब वहां ढोल दी, और उसने शपथ ली कि आज के बाद में मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। बाबर ने शपथ ले ली, तुम युद्ध लड़ो, आप लोगों ने कहा कि इस्लाम धर्म की बात करते हो, मैं आज के बाद में कभी भी क्या नहीं पीऊंगा, शराब। तो सेना राजी हो गई। हालांकि खानवा के युद्ध को जीतने के बाद में बाबर ने फिर से रात को शराब पी, उसने उस शपथ को तोड़ दिया, वो अलग बात है, पर एक बार उसने सेना को राजी कर दिया। तीसरा उसने कहा कि ये युद्ध जिहाद है। क्या है जिहाद का मतलब? होता है धर्म युद्ध। कैसा युद्ध? इस्लाम खतरे में है, अगर तुम नहीं लड़ोगे काफिर जीत जाएंगे, और ये जीत जाएंगे तो अपना धर्म इस हिंदुस्तान से अंदर से क्या हो जाएगा, समाप्त। जिहाद समझते हो आप? आतंकवादी हिंदुस्तान में जो करने आते हैं, जैसे अजमल कसाब ने कहा था कि मैं जिहाद करने आया था, मतलब काफिरों को क्या करना है, मारना है। काफिर मतलब दूसरे धर्म के लोग, हिंदू हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो इसने कहा कि ये जिहाद है और अगर तुम नहीं लड़ोगे तो इस्लाम धर्म क्या हो जाएगा, समाप्त। और एंड के अंदर उसने जोरदार वाला एक भाषण दे दिया, जबरदस्त वाला, पूरी सेना के सामने अल्लाहु अकबर का नारा दे दिया और कहा जीत गए तो गाजी कहलाएंगे और हार गए तो शहीद कहलाएंगे, और भयंकर रूप से नरेंद्र मोदी की तरफ, भाइयों और बहनों पूरी सेना जो थी वो लड़ने के लिए क्या हो गई, तैयार। तो जब बाबर ने इतनी तैयारियां करी सांगा से लड़ने के लिए, उसने अपनी सेना को तैयार किया, तो सांगा भी तो अपनी सेना तैयार करेगा कि नहीं करेगा? उसने क्या किया था वो आपको तारक मेहता के अगले एपिसोड में बताया जाएगा, अभी ये लिख लो आप। सांगा एवं बाबर, काली काली गाड़ी में घुमा दूं भरता। बाबर अफगानिस्तान के, बाबर अफगानिस्तान के बाबर अफगानिस्तान के ट्रांस आक्सियाना के ट्रांस आक्सियाना के फरगना का शासक था।
फरगना का शासक था, यह पिता की तरफ से तैमूर का और माता की तरफ से चंगेज खां का वंशज था। अगली लाइन, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण पंजाब के बैरा नामक किले पर किया। भारत में पहली बार तोप व बारूद का प्रयोग यहीं पर हुआ। एक लाइन छोड़ के छोटा सा स्टार डालो। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर 21 अप्रैल 1526। मैडम आप 19 क्यों लिख रहे हैं? इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर लिख लिया। अगली लाइन में लिखो, यह बाबर का भारत पर पांचवा आक्रमण था। अगली लाइन, दौलत खां लोदी ने बाबर को आमंत्रित किया था। परिणाम रिजल्ट, बाबर की जीत हुई, उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और भारत में मुगल वंश पंद्रह सौ छब्बीस से सत्रह सौ सात की स्थापना की की स्थापना की
बाद में आगरा पर अधिकार कर लेता है, बाद में आगरा पर अधिकार कर लेता है। एक लाइन छोड़ के अगला स्टार डालो। बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527। यह युद्ध बाबर के बहनोई, यह युद्ध बाबर के बहनोई, बहनोई मतलब जीजू, बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा और सांगा के मध्य हुआ। बयाना कहां पर आता है? हाँ, अगर याद रह जाए भरतपुर तो ठीक है, वरना कोष्टक में लिख देना भरतपुर, तुम भूल जाओगे मुझे पता है। परिणाम लिखो, परिणाम सांगा की जीत हुई, सांगा की जीत हुई, यह उसकी अंतिम महान विजय थी, क्योंकि इसके बाद अगले युद्ध में तो वो हार जाएगा और फिर मर भी जाता है। यह उसकी अंतिम महान विजय थी। एक अगला एक लाइन छोड़ के स्टार डालो। सबसे इंपॉर्टेंट, ये युद्ध अगर आपसे कोई नींद में भी पूछे तो भी आपको याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का, 17 मार्च 1527। ये डेट सभी को मुख जुबानी याद होनी चाहिए। कभी भी कोई पूछ ले साहब खानवा कब हुआ, तो 17 मार्च को हुआ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 लिख लिया। बाबर वर्सेस सांगा, बाबर वर्सेस सांगा, खानवा भरतपुर की रूपवास तहसील में है। खानवा